इफ वन अपन में एक्स प्लस वन अपन में वाई प्लस वन अपन में जेड इक्वल्स टू जीरो देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू सेवन देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। तो हम जानते हैं भाई कि अगर हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड अगर निकालना हो तो इसके लिए करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाता है आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही करते हैं हम। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि वन अपन में एक्स प्लस वन अपन में वाई प्लस वन अपन में जेड करूँ, अगर एक्स वाई जेड को मैं एलसीएम ले लूँ तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। नहीं ऐसा नहीं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूँगा एक्स वाई जेड यहाँ से। तो अब यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड हमें क्या दे रखा है, सात दे रखा है, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या है, जीरो दे रखा है, तो यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, जब दोनों साइड इनका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये किसके बराबर होगा, थ्री फोर थ्री के बराबर होगा। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये क्या है, जीरो के बराबर है, तो यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होगा थ्री फोर थ्री, इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर रख लो थ्री फोर थ्री, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है, सात, यहाँ पर सात रख दो। तो हम अगर मल्टीप्लाई करें थ्री फोर थ्री इंटू सेवन तो ये कितना हो जाएगा आपका, सत्तर के इक्कीस, और एक ही ऑप्शन है तेरी के, मैं भी क्या देख रहा हूँ, मैं स्क्वायर करना था ना यहाँ पर, ये 49 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 49 होगा। ठीक है, और 49 इंटू हमें सात को मल्टीप्लाई करना है बस, क्योंकि ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी आपका, थ्री फोर थ्री, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।